The 17th speaker of the current Lok Sabha, Om Birla, is on a two-day visit to Meghalaya, speaking at the special session of the Meghalaya Legislative Assembly on 25th February 2021. Om Birla lauded the efforts of all frontliners who had dedicated themselves to the well-being of the public during the lockdown period. Speaking about India as a democratic country, the Lok Sabha speaker further stated that a powerful and strong democracy would depend on all constitutional institutions complementing and cooperating with each other within their own constitutional jurisdiction. He also added that as part of nation building, the Union government would initiate various programs for the youth to educate them on being responsible citizens towards a powerful nation. The Lok Sabha speaker further informed of a new initiative of the Lok Sabha known as PRISM, or Parliament Research and Information Support of Member, to enhance practical knowledge on proceedings, briefing sessions and so on that take place in the lower house of the Parliament. He also encouraged the Meghalaya Legislative Assembly to take advantage of this initiative and make use of knowledge available to them through such platforms. इस मौके पर उन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, उनकी संस्थाओं के अध्यक्षों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इस कोरोना के समय अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को निभाया। साथियों, लोकतंत्र तभी सशक्त हो सकता है जब हम सभी संवैधानिक संस्थाएं अपनी संवैधानिक प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करें, अपने अपने क्षेत्राधिकारों के अंदर करें और आपस में सहयोग और सामिप्यता के साथ काम करें, तो निश्चित रूप से हम सभी संस्थाओं के अंदर परिणाम ला सकते हैं, जवाबदेह बनेंगे और विशेष रूप से युवा वर्ग में संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश का युवा अपने संवैधानिक कर्तव्यों दायित्वों के प्रति संकल्पित हो और उसको निभाने के लिए लगातार प्रयास करे। वर्तमान बजट सत्र में हमने पार्लियामेंट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सपोर्ट ऑफ मेंबर नाम से एक नई शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सांसदों को 24/7 पार्लियामेंट रिसर्च और इम्पोर्टेंट सपोर्ट मिल सके और वह इस रिसर्च के माध्यम से अधिकतम उपयोग संसद की अपनी कार्रवाई में ले सके। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी विधानसभा में मॉडर्न रिसर्च विंग की स्थापना करें, जो माननीय सदस्यों को सहयोग प्रदान करने के लिए निरंतर तत्पर है। इसी प्रकार की रिसर्च विंग की स्थापना के लिए संसद आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2019 में सभी राज्य के विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों को पार्लियामेंट लाइब्रेरी का सदस्य बनाया है। इस नाते पार्लियामेंट लाइब्रेरी का उनके संसाधनों का पूरा उपयोग सभी देश के जनप्रतिनिधि उठा सके, इसके लिए पार्लियामेंट लाइब्रेरी की ऑनलाइन सेवा भी हमने शुरू की है।